जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे एएससी सेंटर बंगलौर को लेकर हैं। यदि फ्रेंड्स आपने फॉर्म अप्लाई किया था एएससी सेंटर बंगलौर के लिए, तो आप सभी के लिए बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। फ्रेंड्स आप सभी के जो यहाँ पर जो फॉर्म है उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। आपके मैसेज भी आने शुरू हो चुके हैं। कैसे आपको अपना चेक करना होगा कि आपका जो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के पास कुछ इस प्रकार के मेल भेजे जा रहे हैं। ये आप मेल देख पा रहे होंगे। आज का ये आपका 3:33 PM का आप सभी का एक मेल यहां पर रहने वाला है। यहां पर जिन स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया उनके पास एक मेल भेजा जा रहा है। साथ ही उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था जिसको आपने बाई पोस्ट भरने के बाद सेंड किया था, उसको भी आपको यहां पर वापस आपका सेंड किया जा रहा है। किस प्रकार का मेल आ रहा है देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहां पर देखेंगे। यहां पर आप सभी को अपना कंप्लेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जानकारी दी गई है कि आपका जो फॉर्म है वो यहां पर किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। यहां पर देखेंगे आप अग्राम पोस्ट लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन बाज 12 मई 2023, आर्टिकल रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट हैंस रिफ्यूज्ड फ्रॉम द एड्रेस। यानी जो आपका फॉर्म है इनका जो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आपको मेल दिखा रहा हूँ, उनका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो यहाँ पर इन्होंने फॉर्म को लेट शायद सेंड किया होगा, जिसके कारण इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर देगा है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप मेल देखेंगे। इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी यहाँ पर देख पा रहेंगे नॉर्थ बंगलौर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। इसके बाद इन्होंने वहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो इंडियन पोस्ट की, जो इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका भी लिंक आपको दे दिया गया है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म जो वहाँ से वापस भेजे जा रहे हैं वो आपका फॉर्म अभी कहाँ पर पहुँच चुका है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका इस प्रकार आपका जो यहाँ पर वापस भेजे जा रहे हैं, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका जो एड्रेस है जहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड किया था उसको यहाँ पर रिफ्यूज्ड कर दिया गया है, उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर स्पीड पोस्ट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो आपका वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स बाइक की बात की जाए तो इन्होंने EWS कैटेगरी से आवेदन किया था और इनके 77% यहाँ पर मार्क थे, फिर भी इनका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो ट्रेड्समैन मेट की ही पोस्ट में हुए थे। इस प्रकार के कुछ मैसेज आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप स्टाम्प देख पाएंगे कि इस फॉर्म को यहाँ पर क्या किया गया, रिफ्यूज्ड कर देगा है। देखिए फ्रेंड्स अभी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो फॉर्म है वो आपका भी तो कहीं रिजेक्ट नहीं होगा, किसी कारण से आपने फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर दी हो जिसके कारण आपका जो फॉर्म वो रिजेक्ट हो चुका हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है, आपको अपने मेल आईडी को चेक करना होगा। यदि आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो वहाँ पर आपको मेल आ चुका होगा कि आप सभी का किस कारण से यहाँ पर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। आप सभी के यहाँ पर सभी के पास मेल सेंड किए जा रहे हैं जिनके एडमिट कार्ड गए। देखिए अभी आपके ट्रेड्समैन मेट के तो एडमिट कार्ड सेंड नहीं किए गए, लेकिन सभी अदर पोस्ट के आपके जो एडमिट कार्ड है वो सेंड कर दिए गए। तो क्या फ्रेंड्स यदि आपने ट्रेड्समैन मेट के अलावा अदर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आपको मेल आईडी को चेक कर लेना है। वहीं पर आपको अपना जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको भेज दिया गया है, आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका होगा तो भी आपको वहाँ पर मेल देखने को मिल जाएगा कि आप सभी का फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। तो भी आप जाइए और जाकर मेल आईडी पर चेक कीजिए कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट तो नहीं हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फॉर्म है उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। आज की वीडियो में यही जानकारी थी कि आपको अपने कैसे चेक करना होगा कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आप अपनी मेल आईडी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो फॉर्म है उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलता हूँ किसी नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।